1931 में आज ही के दिन व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म हुआ था। परिक्रमा, किसी बहाने और यथासंभव इनकी प्रमुख व्यंग रचनाएं हैं। अनूठे व्यंग रचनाओं के लिए 1990 में जोशी जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। 1960 में आज ही के दिन पहलवान गुलाम मोहम्मद का निधन हुआ था। गुलाम मोहम्मद को गामा पहलवान के नाम से जाना जाता है। गामा को शेरे पंजाब, रुस्तमे जमा और द ग्रेट गामा जैसी उपाधियां दी गई। गामा विश्व के एकमात्र पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी कुश्ती नहीं हारी। 1961 में आज ही के दिन अलाबामा के मोंटगमरी शहर में अश्वेत और श्वेत के बीच टकराव हुआ था। जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एक समारोह में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान श्वेत लोगों की भीड़ ने मार्टिन लूथर पर पत्थरबाजी कर दी और इसी वजह से अश्वेत और श्वेत के बीच तनाव हो गया। आज ही के दिन 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी एक समारोह से भाषण देकर लौट रहे थे, तभी फूलों में छुपे हुए बम के साथ एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस हमले में उनके अलावा 14 लोग और मारे गए थे। इस हमले के लिए तमिल संगठन लिट्टे को जिम्मेदार ठहराया गया था। और आज के दिन 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी थी।